जुगनू, तो स्वागत है तुम लोगों को फिर से एक बार इस वीडियो में। आज हम लोग YouTube के एक महान हस्ती से मिलने जा रहे हैं, जो तुमको लड़की पटाने का टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हा? लेकिन उससे पहले तो मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि वो देख के वीडियो देख के कहीं तुमको मिर्गी का दौड़ा ना पड़ने लगे। इस वीडियो में सिखाया जाता है कि चाय पीने की निंजा टेक्निक सीख लो। मतलब इस वीडियो में तुमको सिखाया जाएगा कि चाय कैसे पीते हैं। आइए देखते हैं चाय कैसे पिया जाता है। हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि चाय कैसे पिए। मतलब यूट्यूब पे सबसे बड़ा खुलासा आज हुआ है कि चाय कैसे पीना चाहिए। ये भाई हमको बता रहा है कि चाय कैसे पिए और उस प्याले में चाय होनी चाहिए। अबे बैसकी डंडी, चाय पीने से पहले सबसे प्याले में तो चाय होना चाहिए ना चूतिया। नया बात बताना। मतलब सबसे चूतिया पा ये है कि हम लोग ये पूरे वीडियो देख रहे हैं कि हाँ चाय कैसे पीते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ये चुतियापा इधर ही खत्म नहीं होता। चुतियापा मेन चुतियापा तो इधर से शुरू हुआ है। चाय पीना सीखने के अपार सफलता के बाद तुम्हारे लिए एक और टिप्स एंड ट्रिक्स आया, चप्पल कैसे पहने। तुम लोगों को पता है चप्पल पहने का भी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो अपलोड है यूट्यूब। आइए देखते चप्पल कैसे पहना जाता है। हमको तो पता नहीं है, मतलब इतना 25 साल का गधा हो गया हूँ, लेकिन मेरे को सच में चप्पल पहनना नहीं आता। आइए गुरु जी सिखाते हैं हम लोगों को कि चप्पल कैसे पहना जाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि चप्पल कैसे पहनना है। चप्पल पहन, लेकिन ये जानने से पहले हमको दो तीन बातों का बड़ा ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि पहनते टाइम ये चप्पल जो है उल्टी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आपने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। अब तक हम लोग चप्पल उल्टी तो पहनते थे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरे पैर में चप्पल आ क्यों नहीं रहा। लेकिन मैं तो गधा हूँ, मैं चप्पल उल्टा पहनता था। आपने बता दिया, धन्यवाद गुरु जी, मेरे को बहुत बड़ा सीक्रेट पता चल गया। अबे भोसड़ी, चप्पल हम लोगों को चप्पल पहनना पता है। और अगर तुम लोग ये वीडियो ढंग से सुना होगा और देखा होगा तो इसमें पता चल रहा है कि इस बंदे को खुद भी हंसी आ रहा है वीडियो बनाते वक्त। जैसे मेरे को खुद का वीडियो में ही हंसी आ जाता है, तब मैं क्या करूँ, मेरे को हंसना आता है तो आता है। लेकिन ये भाई भी ये वीडियो बनाते बनाते एकदम हंस रहे हैं। देखो मैं मेन मुद्दा से ही भटक गया। मैं ये वीडियो बनाने वाला था कि हाँ लड़की को पटाने के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, लेकिन ये सब मैं भूल गया। चलो लड़की पटाने वाला वीडियो लगाया जाए। रिलेशनशिप में आते ही इंडियन लड़के लड़कियों के साथ ये तीन गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। अबे चूतिए, पहले लड़की पटाने को टिप्स एंड ट्रिक्स तो दे, उसके बाद में रिलेशन में जाएंगे। अभी लड़की पटी नहीं, अभी सिंगल आदमी है, क्या करेगा? पहले सिंगल आदमी का सेटिंग कराओ, उसके बाद ना गलती करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे। अभी लड़की पटा नहीं, रिलेशनशिप की बात कैसे होगी? कुछ लड़कियों को किस करने से पहले नहीं पूछना चाहिए उसकी तीन इंपॉर्टेंट वजहें। भाई तुम फिर से गलत टिप्स एंड ट्रिक्स देने लगे यार। पहला, प्रेम में पड़े आदमी तो ना किस उसका बात होगा। अभी प्रेम में पड़ा नहीं, लड़की मिला नहीं, और किसका वीडियो कैसे देख, किसका टिप्स एंड ट्रिक्स बाद में चाहिए। पहला लड़की पटाने वाला टिप्स एंड ट्रिक्स दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज के जमाने के रिलेशनशिप और प्यार में पहले की तरह ये तीन चीजें अब काम नहीं करती हैं। नंबर वन, लड़की को प्रपोज करना मेरे ले। अब मैं ये सुन रहा था कि हाँ लड़की को प्रपोज कैसे करना है या लड़की पटानी कैसी, ये तो बता रहा है कि लड़की को प्रपोज ही नहीं कर सकते। ये कब से चेंज हो गया, हमें तो नहीं पता था। कम से कम लड़की को प्रपोज करेगा तो ही ना उसके बाद बात आगे बढ़ेगा। साला ये तो बीच में ही काट दिया बात को। ये लड़की को प्रपोज ही नहीं करना है तो बात होगी कैसे? पहले ये बताओ, पहले आप लड़की को इस चीज का इजहार कर सकते थे कि वो आपके लिए कितनी जरूरी है और आप उसको कभी छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन आज की डेट में दोस्त, माफी मांगता हूँ, वो काम नहीं करता। एक मिनट, मतलब प्यार का इजहार भी नहीं करना है, आई लव यू भी फूल भी नहीं देना है, तो करना क्या है फिर? लड़की पटेगी कैसे? ये तो साला कैसा आइडिया दे रहा है, साला जूता खाने वाला आइडिया दे रहा है शुरू में। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आज की डेट में अगर आपको प्यार में हर्ट होने से बचना है ना, तो डेटिंग को एक नंबर गेम की तरह देखो, बहुत जल्दी समझ जाओगे। पता है मैं ही गलती किया हूँ, मैं इधर टूरू लव के खोज में इसका टिप्स एंड ट्रिक्स लेने आया हूँ, लेकिन ये साला तो इधर रंडी खाना खोल के बैठा है। मतलब डेटिंग को भी नंबर के गेम में लेके जाऊँ, मतलब एक डेट नहीं 50 डेट करना है। मैं इधर टूरू लव खोज रहा हूँ कि हाँ कोई मेरे जैसा ही संस्कारी मतलब मिल जाए। इधर बात उत आगे बढ़े, फिर घर उन्हें बताए कि हाँ लड़की पसंद आ गया। लेकिन ये तो तुम साला मेरे को जेल भेजवाने वाला काम कर रहे हैं। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे हा? ना प्रपोज करे ना गुलाब दे, करे तो करे क्या बेंच। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि हाँ मानो लव हो ही गया, चलो तुम तो एक तो बताए नहीं टिप्स ढंग से, लेकिन मानो हो गया तो उसके बाद रिलेशन में चले गए। रिलेशनशिप में एक तो साला कभी जिंदगी में रिलेशनशिप ढंग से बोलना नहीं आया,
एक तो इंग्लिश ऐसे ही कमजोर है साला, तुम ऐसा कॉम्प्लिकेटिंग वर्ड क्यों हमको देते? इंग्लिश को नजरअंदाज करते हुए मतलब चलो ठीक है, रिलेशनशिप लौड़ा लहसुन में आ गए, उसके बाद करना क्या है ये बताओ तुम, ये वाला टिप्स लो। रिलेशनशिप में आते इंडियन लड़के लड़कियों के साथ ये तीन गलतियां सबसे ज्यादा करते हैं। ये साला तो पहले ही लाइन में भेदभाव शुरू कर दिया, इंडियन लड़के। अबे इंडियन लड़के लड़के नहीं होते क्या? ये कौन सा तुम्हारा भेदभाव है भाई? एक क्यों चूल मचाएगी इंडियन लड़के? इंडियन लड़के लड़के नहीं है, उनकी कदर कुछ नहीं है, तेरी भैंस की डंडी। अबे हटा बोतले की बात। वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते ही अपना बिहेवियर चेंज करने लगते हैं। अबे चूतिया, तेरे को कुर्सी ने गलत जानकारी दी, रिलेशनशिप में आते वक्त कोई बिहेवियर चेंज नहीं करता, आदमी डेली बदलता है, डेली कुछ ना कुछ सीखता है, तो रिलेशनशिप से भी कुछ सीखेगा तो आदमी उसके बिहेवियर में झलकेगा ही, तो इसमें हर आदमी डेली बदल ही रहा है और स्पेसिफिक रिलेशनशिप से नहीं बदल रहा है, बाकी चीज वो डेली कुछ ना कुछ सीखता होगा उससे बदलता होगा, तो हाँ तो बदलना तो प्रकृति का नियम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो इंग्लिश में कहावत नहीं है कि वो क्या लौड़ा लहसुन की चेंज इज परमानेंट बोल के, ऐसा कुछ है नहीं, वो तो सही है कि हाँ आदमी बदल रहा है। रिलेशनशिप में आते ही धीरे धीरे लड़के अपनी लाइफ के बाकी के कंपोनेंट्स को कट करने लगते हैं, उस लड़की को अपनी लाइफ की सेंटर में डाल देते हैं और अपनी पूरी लाइफ उसके हिसाब से चलाने लगते हैं। अबे नल्ले, वो तेरे जैसे लौंडे लोग करते हैं, इधर लड़के लोग की जिंदगी में बहुत सारे काम है, एक ही लड़की के पीछे वो जिंदगी बर्बाद कोई नहीं करता, और पता नहीं तू कौन से लौंडे से मिला है, मतलब तेरा सर्कल वही नल्ले लोगों का होगा, इसीलिए मेरे को लगता है जिसको काम धंधा है ना अपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, क्योंकि जिससे जिसके साथ रिलेशन में आए अगर वो लोग अपना फ्यूचर साथ में देख रहे तो वो नल्लों की तरह गुची गु नहीं करते रहते दिन भर, वो अपना फ्यूचर भी देखते हैं, तो अपने नल्ले दोस्तों को बोल कि थोड़ा काम धंधा भी करे, दिन भर वो प्यार के लौड़ा लहसुन में ना लगा रहे, तो अपना सर्कल चेंज कर, ऐसा दुनिया है नहीं, थोड़ा दुनिया से बाहर निकलो बे। और अगर लड़कियों को ऐसा लगता है कि आप फन और एक्साइटमेंट फ्यूचर के लिए डिले कर रहे हो ना, तो बहुत सारी लड़कियां आपको छोड़ देती है, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर अ मैन टू गेट सक्सेसफुल, बाकी आपके ऊपर। चलो ये बात सही है कि हाँ अपने हैप्पीनेस को कल के लिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, आज का है जो आज जी लो ठीक है, कल का कल देखेंगे, जीने की बात हो रही है, ये नहीं कि अगर हाथ में 1,00,000 रुपया है तो उसको आज ही बर्बाद कर दो, कल का कल देखेंगे, ऐसे होगे तो सड़क पे आ जाओगे तुम लोग। ये टिप्स एंड ट्रिक्स ज्यादा सीरियस मत लेना लोग, तो लोगों को राय में ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैं भी कभी अगर राय दूं तो उसको एकदम एब्सोल्यूट नहीं लेना है, थोड़ा देखना है कि हाँ बंदा क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ओपिनियन तो आखिर ओपिनियन ही हो जाता है, हर आदमी पे वो लागू होता नहीं है, तो वही सबका ओपिनियन है, हर एक सिचुएशन में 50 ओपिनियन हो सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं 50 सही है बात, तुम अपना देखो तुम कहाँ स्टैंड करते हो और उसके बाद जो सही स्टेप है वो लो। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? बाकी आज का संदीप महेश्वरी का भाषण खत्म करते हैं, बाकी तुम लोग बता सकते हो कि वीडियो कैसे लगा, और चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोग नहीं करते, थोड़ा अपने ग्रुप में फैलाओ कि हाँ ऐसा भी कोई बकचोद चैनल आया बोल के, बाकी मिलते हैं फिर 2-3 दिन बाद किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक तुम लोग अपना ख्याल रखो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जय श्री राम।